आप इसका कलर देख सकते हो, जैसे अपना सरसों का फूल का तो कलर होता है अपना, वही कलर है सेम टू सेम। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज अपन है शॉप पे ही, और आज अपन सरसों का तेल निकलवाएंगे। ट्रैक्टर आ रहा है अभी, तो आपको दिखाएंगे कि अपना सरसों से तेल कैसे बनती है, वो भी एकदम प्योर, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। अभी हम बाजार वाला तेल खाते हैं तो अपने शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है वो, तो हम आज निकालेंगे अपने सरसों का प्योर तेल जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको भी दिखाते हैं कि सरसों तेल कैसे निकलता है, और नीचे कमेंट में बताना कि आपको भी यही तेल खाना है क्या। ये राजस्थान का मौसम है भैया, तो यहाँ पर सरसों के तेल के साथ में हमें थोड़ी मिट्टी भी खानी पड़ेगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भैया ऊपर से सरसों डाल रहे हैं जो कि मशीन के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद में जो सरसों का वेस्टेज पार्ट होता है वो पीछे से आ रहा है देखो आप, और अभी ये नीचे बाल्टी में जाके गिर जाएगा। इसको हम वेस्टेज नहीं बोल सकते, ये हमारे पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसको हम खड़ बोलते हैं जो बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, तो ये हम अपने पशुओं को देते हैं जिससे दूध वगैरह में बहुत बढ़ोतरी होती है। तो जैसे ही बाल्टी भरी, आपने हमारे कालू की खुशी देख ली होगी उसके चेहरे से, तो हमारी बाल्टी अभी फुल भर चुकी है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि तेल कहाँ से निकलता है। तो तेल इसके मशीन के नीचे छोटा सा टैंकर लगा हुआ है जिसके अंदर वेस्टेज पार्टिकल तो ऊपर से निकल जाता है, लेकिन तेल उस टैंकर के नीचे रह जाता है। तो उसके नीचे एक नल लगा हुआ है जिस नल के माध्यम से अपन अपना ड्रम वगैरह जो भी अपना बर्तन है वो अपना भर सकते हैं तेल इसका। ये हमारी खल तैयार हो गई है पशुओं के लिए। तो गाइस अपनी सरसों थी 50 किलो, और 50 किलो सरसों में अपना ये तेल निकला है। ये 15 किलो की ड्रमी है, तो ये 14 लीटर तेल हो गया अपना। अभी तोला है मैंने, अभी देख सकते हो एकदम प्योर है। अभी इसको 3-4 दिन तक हम ऐसे ही रखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर इसको हिलाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा रहता है, वो ऊपर आ जाएगा वापस। तो 3 या फिर 4 दिन के अंदर ये कचरा नीचे चला जाएगा और ये एकदम प्योर बन जाएगा। तो ये है प्योर देसी तेल अपना, कोई मिलावट नहीं है इसमें, एकदम से शुद्ध है जो अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग भी निकलवा सकते हो, ये तेल काफ़ी अच्छा रहता है खाने के लिए भी। आप इसका कलर देख सकते हो, जैसे अपना सरसों का फूल का जो कलर होता है अपना, वही कलर है सेम टू सेम येलो कलर का। देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए आज की ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी इसको देख के आपको। और आपको अगर यही तेल खाना है तो नीचे आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।